बड़ी जीत हुई है, क्या कहेंगे सर? ये तो भाई संगठन कार्यकर्ता और मोदी जी की जीत है, और जनता को जो हमने काम किए, हमारी पार्टी ने काम किए, मोदी जी ने काम किए, वो काम जनता को पसंद आया, क्योंकि आज़ादी के बाद वो काम किसी पार्टी ने नहीं किया। सर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ईवीएम की सरकार है, घोटाला बता रहे हैं। ईवीएम की सरकार होती तो अभी कुछ दिन पहले ही हम 3-4 प्रदेश हारे हैं। अगर ये सब कुछ होता तो हम वहाँ क्यों हारते, हम वो भी जीत लेते। अगर ईवीएम का ही घोटाला होता तो पंजाब में बन गए मुख्यमंत्री कांग्रेस के, वो भी हम जीत लेते। दिल्ली में आप पार्टी के बन गए उस टाइम, वो भी हम जीत लेते। वहाँ में 3 सीट मिली तो हमने वो जनादेश स्वीकार किया, उनको 67 मिली, कांग्रेस कुछ मिला नहीं था दिल्ली में उस टाइम विधानसभा के चुनावों में। ये कहना गलत है कि वो ईवीएम की गलती है, अपने कर्म ना देख रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठावे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। सर पिछले 5 साल में लवजात, 3 तलाक, राम मंदिर, GST, नोटबंदी जैसे मामलों में पूरे 5 साल तक जनता को उलझा के रखा गया। GST से व्यापारी बहुत खुश है। मैं व्यापारियों के यहाँ जाता हूँ, उनके यहाँ चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, उनका काम भी करता हूँ, और बहुत सारे व्यापारी मेरे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं GST एक ऐसी चीज़ है कि अब हम चिंता मुक्त हैं, चाहे बॉम्बे में रहें चाहे विदेश में रहें। GST से सारे इंस्पेक्टर राज खत्म हो गए, आप समझिए, और सारा नंबर एक का पैसा हो गया, कहीं छिपाने कोई जरूरत नहीं है। सर राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो समय से चल रहा था मामला कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, इंतजार करो, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है, और राम मंदिर के लिए कोई और नहीं, हमारे मुस्लिम भाई ही वहाँ जाकर राम मंदिर बनाएंगे, ईंट रखेंगे। लड़ाई तो कांग्रेस, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी या जो भी विपक्ष में क्षेत्रीय दल है, वो नहीं चाह रहा है राम मंदिर बने। बाकी कौन सा ऐसा मुस्लिम है जो ना चाह रहा है? मैंने तो अयोध्या में भी बयान दिया कि सारे मुस्लिम भाई, मैंने कहा इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आएंगे, और श्रद्धालु आएंगे तो हमारी जो दुकानें हैं उसमें खरीदारी होगी, हमारे बच्चे पलेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन वो विपक्ष के पास एक मुद्दा है राम मंदिर, बाकी विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, अपने घर भरने का काम किया, लोगों को डराने धमकाने का काम किया, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने का काम किया, ये काम विपक्ष ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल केंद्र की सरकार को ये घोटाला तो बता दो आप। सर आपके लोकसभा की रुचि वीरा का आरोप है कि ईवीएम मशीन के चक्कर में उनकी हार हुई है। नहीं, रुचि वीरा ने अपना टिकट खरीदा था वहाँ का, लेकिन उन्हें मजबूरी में दे दिया यहाँ का, अब वो क्या करें, यहाँ बेचारी पैर नहीं पीटती, तो एक तो पैसा चला गया उनका, जिसको भी दिया हो, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, और वो यहाँ आकर के फिर बेचारी मजबूरी में चुनाव लड़ी, और ये उनका आरोप लगाना गलत है। उनको जितना वोट मिलना चाहिए, बल्कि उनको उनके औकात से ज़्यादा वोट मिल गए, इतना वोट मिलना नहीं चाहिए उनको। बरेली से भगवत जी का भी यही आरोप है कि उन्हें लगभग 5 लाख के करीब वोट मिलते हैं, ये मशीन के चक्कर में, ये जो घोटाला जो भी कुछ हुआ है उसके चक्कर में उनकी हार हुई है। देखिए भगवत जी बढ़िया आदमी है, मेरी पार्टी में विधायक रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कह सकता, लेकिन वो पार्टी गलत में है। वो ऐसी पार्टी में है जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, वो भगवत जी का कहाँ से होगा। मैं तो भगवत जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लौट के वापस वो अपने घर आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी पलकें बिछा करके उनका स्वागत करने को तैयार है, और वो पार्टी बहुत समझदार, समाजवादी पार्टी में बड़े समझदार नेता हैं, लेकिन वो पार्टी गलत है, भगवत जी अच्छे आदमी हैं। उनके आरोप के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं? भाई कोई व्यक्ति हारता है तो कुछ ना कुछ तो आरोप लगाता ही है, लेकिन उनका आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इतना समझदार व्यक्ति भी अगर आरोप लगाएगा ईवीएम पे तो ये गलत है, क्योंकि जनता जो थी वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ थी, मोदी जी के अलावा किसी को जनता देख नहीं रही थी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते, केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते, अभिनंदन जैसा व्यक्ति वहाँ से वापस आया, और एक वो सरकार थी कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सैनिक इंडिया में आकर और हमारे सैनिकों का सर काट ले गए थे। कहा जा रहा है आपके अथक प्रयास के चलते ओला की सीट निकली है, नहीं तो परिणाम कुछ अलग होते। नहीं, मेरे अथक प्रयास से क्या, कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास,
प्रत्याशी ने भी मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, संगठन पूरा लगा और हम लोग लगातार जिस दिन से विधायक बने हैं या हमारे यहाँ जो भी 2014 से एमपी बने हैं वो लोग क्षेत्र में ही तो काम करते हैं। अब ये लोग आराम करने लगेंगे 2022 में 20-25 दिन पहले आएंगे, कोई टिकट खरीद के ले आएगा, कोई कैसे ले आएगा, कोई कैसे ले, उनको यही पता नहीं है कि टिकट किसको देना। फिर से हम पे आरोप लगाएंगे, ईवीएम पे आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे जबरदस्ती वोट डाल लिए, ये कर लिया। अरे तुम जब जनता के बीच जाओगे ही नहीं तो तुमको वोट कौन देगा? अगले 5 साल में क्या होगा सर, कुछ काम होंगे, बड़े काम, बड़े मुद्दे जो पिछली बार में जो रह गए हैं, आपके कानून बनेगा? कोर्ट के हवाले है, 3 तलाक पे कानून ही बनेगा, जो धीरे धीरे ये आधे आधे काम सबके हो चुके हैं और लोग कह रहे हैं काम नहीं हुए। अरे काम नहीं हुआ, आयुष्मान योजना कितनी बड़ी योजना है, मोदी जी ने जिस योजना को लागू किया है, मैं तो यहाँ लोगों के कार्ड बनवाता हूँ, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है बीमार व्यक्ति के लिए, वो 5 लाख रुपए का तत्काल सहायता मिलती है, उससे उसकी बीमारी ठीक होती है और अच्छे अस्पताल में इलाज करा पाता है। अच्छा, भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी गौ वध ये जगह जगह की ये सूचनाएं आती हैं कि वहाँ आज गाय को काट दिया गया, कि बैल को काट दिया गया, नहीं रोक लग रही है, उन पर गिरफ्तारी हो रही है। भितरी में अभी हमने पकड़ा नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, हम भी गए मौके पर, उनको पकड़ के पुलिस को सौंपा, उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लिखे गए हैं और भी मुकदमे लिखे जाएंगे उन पर, गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई होगी, गुंडा एक्ट वगैरह। सरकार बनने के बाद बहुत से बड़े कार्य हैं, सबसे पहली बात तो आपके देश का सम्मान जिस हिसाब से रहा ये एक बड़े गौरव की बात है। पाकिस्तान जैसे लोग आए दिन गोली चलाते थे, आज गोली नहीं, आज बंदूक पकड़ने से भी डर रहे हैं वो लोग, बॉर्डर पे नौकरी करना नहीं चाह रहे हैं वहाँ के सैनिक पाकिस्तान के। और वाले सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताते थे, अरे वो उनके फर्जी बताने से क्या है, देश थोड़ी फर्जी बता रहा है भाई, हम तो देश के साथ हैं, जब देश उसको सत्य मानना है, ये सर्जिकल स्ट्राइक को देश ने दिखा दिया, वो रोक नहीं पाए, अपने वोटर को नहीं रोक पाए, जो अखिलेश यादव बहुत बढ़ चढ़ के बात करते थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो, उनको खुद सोचना चाहिए कि परवार में भी वो 2-3 सीटें हार गए। बरेली जिले में आपकी दबंग विधायक के रूप में छवि आती है, क्या कहेंगे? ये किसने कहा कि मैं दबंग विधायक हूँ? मैं तो अभी भी स्कूटी से आया हूँ, आपने देखा कि शहर में गया, 2 जगह मौतें हो गए थे, वहाँ सुबह उठ के गया स्कूटी से, तो मैं स्कूटी से गया, मेरे साथ कोई गनर उनर भी नहीं था, सिंगल गया, सिंगल आया, इसमें दबंग ही बात क्या, सत्यता को सत्यता कहते हैं भाई, हम झूठ को सच नहीं कह पाएंगे, अगर पेड़ नीम का तो उसे नीम कहेंगे, आम कैसे कहते हैं, आम के बैल को आम कहेंगे, तो इसलिए हम जो सही बात है उसको कहते हैं। विपक्ष को क्या संदेश देना चाहते हैं? विपक्ष को क्या संदेश दें, उनके हारने पर भी हमको हंसी आती है कि वो किस हिसाब से चुनाव को लड़े, कम से कम दंगल में 2 लोग लड़ते हैं तो कुछ तो टक्कर लें, वो कहीं पे टक्कर ही नहीं ले पा रहे हैं, लड़ ही नहीं पा रहे हैं। इससे तो मैं एक ही बात कहूँगा कि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए और हमारे मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। में कल हिमराज वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार की एक एजेंट बन के काम किया है, वो तो CBI को भी कहते हैं एजेंट बन के काम कर रहे हैं, अब उनके कहने से क्या होता है। अच्छा हम यही कह दें कि कांग्रेस के ज़माने में तो देखिए कोई एजेंट बन के काम नहीं कर रहा है, वो IAS लोग हैं और देश में चुन के जा रहे हैं और सब पूरे देश को जिस हिसाब से चुनाव आयोग चला रहा है, चुनाव आयोग की उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, कहीं भी बवाला नहीं होने, लोग बवाला करने चाह रहे थे, बंगाल में ममता ने कितना बवाला किया, बंगाल में ममता ने इतना बवाला किया कि वहाँ हम कम से कम 30 सीटें जीतने थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती गुंडागिर्दी करके ये करके उसके बावजूद ही जनता ने ये दिखा दिया कि अगली विधानसभा में आप वहाँ की चीफ मिनिस्टर नहीं होंगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बंगाल का चीफ मिनिस्टर होगा। क्या बरेली में 5 साल जो आने वाले हैं इनमें विकास कार्य होंगे? अरे विकास कार्य तो पूरे भारत में होंगे, आप कैसी बरेली की बात कर रहा हूं। अरे बरेली में कौन सा विकास कार्य नहीं हुआ बताओ सर, अरे पुल बनने आया सैटेलाइट पर, अब आप लोग देख ही नहीं रहे, ये तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, इससे ये लगता है आप सक्रिय हैं? नहीं सक्रिय सब हैं, हम ही क्या है, सारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन ये है कि वो नहीं मिल पाते हैं, कहीं पार्टी काम से चले जाते हैं या कोई और हो जाता है या कोई नेता हमारी पार्टी का बीमार है, तो बीमार आदमी कैसे काम कर सकता है, ये है,
तो इसलिए हम तो अवेलेबल रहते हैं, हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल हैं जनता के लिए। और अपने अपने काम करने का तरीका सबका अलग है। हमारे यहाँ मोदी जी का काम करने का तरीका अलग है, हर लोगों का अलग है। तो मोदी जी का तरीका सभी लोगों को याद आ रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तरीका अलग है, और भी लोगों को पसंद आ रहा है। दोनों लोगों ने जिस हिसाब से वो करी, सारे नेता और कार्यकर्ता हमारे लोग साथ रहे, इसलिए हम पार्टी इतने बम्पर वोटों चुनाव जीते। और जनता ने हमको सराहा, हमारे काम को सराहा, क्योंकि इन 5 सालों में कोई घोटाला नहीं हुआ। 2.25 साल प्रदेश की सरकार हो गई, बताओ कोई घोटाला हुआ? एक भी घोटाला कोई बता दे, एक उंगली उठा दे हमारे किसी भी। शौचालय जैसी माताएं बहन खुले में शौच करने जाती थी, इज्जत घर मिला, उसको भी सराहा। 5 साल में कहां बन पाए, 100% कहां बन पाए? अरे भाई, कुछ जगह बने हैं, कुछ जगह अधूरे पड़े हैं। 60 साल के 65 साल के 60-65 ₹500 ले रहे हैं। नहीं, 60-65 साल के गड्ढे को आप जो कहा, 1-2 साल में भर जाएगा। अरे भाई, कुछ काम तो दिख रहा है, ऐसा नहीं है नहीं दिख रहा है, लेकिन मकान बन गया उसका प्लास्टर फर्श पड़ने में भी टाइम लगेगा। ये रेडीमेड थोड़ा ही है कोई चीज। अरे 5 साल में आप देखिए, और 5 साल में जो स्थिति चाइना और पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान चाइना की, उससे बुरी हालत हो जाएगी, समझिए। एक भी आतंकवादी जो छोड़ देते थे ना पहले कांग्रेस जमाने में, 500 हजार हजार आतंकवादी देश में आ रहे हैं और हमारे लोगों को मार रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं। अब बताइए कहीं कोई आतंकवादी आता हो, कोई आतंक होता हो? कहा जाता है इस सरकार में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए। ये गलत है। श्रीलंका में कांग्रेस ने 1100 कुछ सैनिक मरवा दिए, बताइए किस लिए भेजा वहां? अरे हमारे देश की सेना है, वार्ता से समझौता हो सकता है लिट्टे के उनके बीच में, ये उनका अंदरूनी मामला था। सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस जमाने में मारे गए, हमारे यहाँ तो कोई नहीं मारा गया, और जो मारा गया उसको सम्मान दिया हमारी सरकार ने। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि सैनिक की बॉडी उसके घर तक जाएगी, और उसके लिए पेट्रोल पंप, उसके माँ बाप के लिए पेंशन, गैस एजेंसी और तमाम प्रकार की चीज़ें मुहैया कराई, और 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ तक रुपए दिए गए। किसने सम्मान दिया? कांग्रेस की सरकार ने। कांग्रेस सरकार में गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप उनके नेताओं को मिलते थे। कैप्टन सतीश शर्मा उनके यहाँ MP हुआ करते थे, शिल्प सलाहकार थे, मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के, उन्होंने रेडियो की तरह पेट्रोल पंप गैंसियाँ बांटी, हमारी सरकार में पारदर्शिता की तरह बटी। यूपी में गठबंधन दूसरे नंबर पे रहा, इतनी फाइट करी है उन्होंने, हर बूथ पे लड़े हैं वो लोग। मैंने यार पहले ही आपको बताया था कि गठबंधन नेताओं के बीच है, जनता के बीच नहीं ना। जनता एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रही है ना। गठबंधन तो उन्होंने अपने मन से कर लिया कि भाई हम गठबंधन कर ले रहे हैं, लेकिन गठबंधन भी ठीक नहीं था, बेमेल गठबंधन था। आप बताइए, इस महिला की इतनी बेइज्जती हुई हो और उसने उनसे गठबंधन कर लिया, ये नहीं होना चाहिए था। उनका वोट अंदर से बहुत व्यथित था, जो माननीय मायावती जी का जो वोट था, आप वो हमारे यहाँ खजुरिया गांव में देख लीजिए, खजुरिया गांव जिसको वो वोट मान नहीं है, आप उठा के देख लीजिए उन्हें कितना वोट मिला, हमको कितना मिला है। आज भी पेपर छपा है कि मायावती गेस्ट हाउस कांड भूल सकती हैं, हम थोड़ी भूल जाएंगे, ये उनके समाज के लोग कह रहे हैं, और वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ, सारे यादव लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और इतने बम्पर वोट पड़े हमको, मुस्लिम वोट तक तो हमको पड़ा है, वो कैसे कह देंगे उनको वोट पड़ेगा? उनका एक आंकड़ा था, उन्होंने सोचा कि हम ये जो वोट है हमारे, 3 वोट वो हो जाएंगे, प्रत्याशी होगा 4 वोट हो जाएंगे, 4 वोट हो जाएंगे।